नमस्कार आप सारी हेलो हेलो सॉरी सर कोई बात नहीं no. कोई बात नहीं मैं सोच रहा था sir, hi, Shiva, fine, nice. Sachi, कैसे हो सर नमस्कार सर ठीक है सर नमस्कार नमस्कार बहुत दिनों बाद तुम तो दिखाई दे भाई सर अभी भी ड्यूटी में हूँ प्लांट में हूँ सर अरे 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 अरे, अरे। चलो कोई नहीं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आज केवल वैसे ही एक छोटा सा मैंने आप लोगों से मिलने के लिए लिया था सो देट वी कैन डिसाइड टाइम एंड कब हमें करना है क्लास कब से शुरू करना है किस टाइम पे शुरू करना है तो थोड़ा सा बस एक मैं चाहता था अभी दो तीन कैंडिडेट्स और थे वो भी नहीं आए हैं चलिए कोई बात नहीं उन पर रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी और तो हम लोग जैसे मैं आपको बताया कि टैरट का शुरू करने जा रहे हैं टेरो कार्ड रीडिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रीडिंग है और उसका जो जवाब मिलता है टेरो कार्ड से जो आपको जवाब मिलेगा वो हमेशा सही होगा राइट होगा यू विल गेट राइट आंसर फ्रॉम द इसलिए जब भी कोई साइंस को या जब भी किसी विद्या को हम लोग सीखते हैं तो उसके ऊपर हमें ट्रस्ट होना चाहिए टेरो कार्ड को अगर हम सीखेंगे तो पहले हम करें। कहते हैं ना पहले विश्वास करें फिर देखें लोग है है, क्या करो फिर आप, आप महसूस कर सकते तो पहले तो विश्वास ही है मेन चीज तो टैरो का भी वही है कि इसको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए इस पे बिलीव करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको छोटे से कुछ पॉइंट्स बताता हूं आज ज्यादा नहीं टाइम लूंगा आपका स yours, yours, क्योंकि सब लोग बिजी हैं। बात करके फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे सब लोगों के टाइम टेबल के हिसाब से तो एक सेकेंड में जरा इसको ठीक से कर लेता हूँ थोड़ा हाँ तो टैरो के बारे में हम लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि की डूनो ट्राई टू टेस्ट टेरो जस्ट बिलीव ऑन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि पहले विश्वास करो फिर उसको महसूस करो तो ये बहुत जरूरी है हम लोग बहुत सी विद्याएं पढ़ते हैं बहुत सी साइंस पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं वर्षफल पढ़ते हैं प्रश्न कुंडली पढ़ते हैं होती है तो ये सब साइंसेस क्या है ये बेसिकली हम लोगों को हमारा फ्यूचर बताने के लिए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा अब अगर हमें हमारा फ्यूचर मालूम चल जाए तो क्या हम चेंज कर सकते हैं उसको नो वी कैन नॉट चेंज अवर फ्यूचर बट वी कैन इम्प्रूव अवर फ्यूचर सर्टेन अपने फ्यूचर ये सब चीजों का साइंस का फायदा यही है कि आप इनसे देख के अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके सोचो कैसे यू कैन

उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं दैट यू हैव टू सी कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये चीज है कि हम लोगों ने एक बहुत सिंपल uh, थ्योरी शायद पढ़ाई थी मैंने पीछे भी बताई होगी आप लोगों को कर्मा थ्योरी कहते हैं कर्म सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसमें यह कहा गया है कि तीन तरह के कर्म हो आदमी के तीन तरह के कर्म होते हैं एक होता है संचित कर्म जिसको डिपोजिट कर्म कहते हैं जो जन्म जन्म का आपके कर्मों का डिपॉजिट होता है एक होता है प्रारब्ध प्रारब्ध जो होता है वो आपका प्रारब्ध वो चीज है जो आप इस जन्म में अपने साथ लेकर आए और तीसरा होता है योर फ्री विल जिसको क्रियामान कर्म भी बोलते हैं जो आप करते हैं और हर जन्म में आप कुछ ना कुछ कर्म करते ही है कर्म किए बिना तो कुछ नहीं होता कर्म तो करना ही पड़ता है इंसान को कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं कुछ बुरे कर्म भी करते हैं तो हर जन्म में हम कुछ ना कुछ कर्म करते आते हैं तो उन कर्मों का फल जैसा भी है वो कर्म हमारे संचित होते हैं डिपॉजिट होते हैं एक बकेट के अंदर डिपॉजिट हो जाए वो जन्मों जन्मों के कर्म मार अब जैसे हमने ये जन्म लिया है जिसमें शिवा है तपन है मनीषा जी हैं सभ्य सांची है ये जन्म हम लोग लेकर आए हैं तो पूरा डिपॉजिट की बकेट हम लेके नहीं लिया हम उस डिपॉजिट बकेट में से कुछ हिस्सा लेकर आए हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध यानी उतना हिस्से को तो आपको उतने पार्ट को आपको भोगना ही पड़ेगा उतना हिस्सा आपको भोगना ही पड़ेगा उसके अलावा कुछ हिस्सा होता है फ्री विल क्रियामान कर्म जो आपके हाथ में है आप उसको अपने हिसाब से कर सकते अभी सब क्या मतलब हुआ तो देखिये दोनों की जो परसेंटेज है मैं आपको परसेंटेज बताऊं हालांकि परसेंटेज इन चीजों में कुछ नहीं होती कर्मा थ्योरी के अंदर लेकिन फिर भी प्रारब्ध कंसिस्ट सिक्सटी एंड क्रियामान कर्म जो फ्री विल है दैट कंसिस्ट तो यू कैन नॉट चेंज

कौन है ऐसा जो फल की इच्छा के बिना काम करता है सभी काम फल की इच्छा के फल को साथ लेकर काम करते हैं बट वो ये इसलिए कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा नहीं करोगे तभी आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और आप मोक्ष को प्राप्त हो जब तक हम फल की इच्छा करते रहेंगे कर्म इसीलिए करेंगे कि हमें इसका ये वाला फल मिल जाए अच्छा फल मिल जाए तो हम कर्मों में ही उलझे रहेंगे अच्छे और बुरे कर्म हमारे संचित होते रहेंगे और हमको बार बार जीवन लेके इस धरा पे इस धरती पे आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये संचित कर्म प्रारब्ध और कर्म ये तीन चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कर्म ऐसे होते हैं यू you नो know, कि भाई बारिश हो रही है बाहर रेनिंग आउटसाइड तो आप क्या करेंगे यू हैव टू टेक द प्रकॉशन यू हैव टू टेक यूर अम्ब्रेला विद यू और अगर आप नहीं लेके जाते तो आप बारिश में भीगेंगे तो वही टेरोकार्ड या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या जो भी आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है न्यूमरोलॉजी है प्रश्न कुंडली है वर्ष कुंडली है इन सबका जो यूज है दैट इज बेसिकली टू नो अबाउट समथिंग यूर फ्यूचर एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू इंप्रूव इट सो दैट इज द

उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और आगे आपके अच्छी चीजें जो तो टेरो से very, very कोई चीज पूछेंगे आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट राइट आंसर मिलेगा आप उसको मानो या ना मानो लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि आप विश्वास करो और फिर उसको इसके रिजल्ट आपको मिलेगा तो मैंने अभी बताया कि वी शुड नॉट ट्राई टू चेंज फ्यूचर इन वी ट्राई टू बेटर मेक बेटर अच्छा ये सब्जेक्ट ऐसा है टेरो कार्ड का मैं तो कहता हूं कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ना हो एडवांस एस्ट्रोलॉजी बिकॉज जब तक आपके कर्म आपकी नेचर जब तक आपकी सोल भगवान से नहीं जुड़ेगी तब तक आप बहुत अच्छा प्रोडिक्शन नहीं कर सकते आपको अंदर से क्लीन होना पड़े और टेरो कार्ड में तो खास तौर से ये कि इसके लिए यू हैव टू नीड डिवाइन कनेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा अब टेरो कार्ड के बारे में कब आया एनीबडी नोस के टेरो कार्ड के कब आया टेरो आया 15th में फिफ्टीन सेंचुरी में बेसिकली इट वॉज डॉक्यूमेंट उससे पहले कब से था वी डू नॉट नो बट फिफ्टीन सेंचुरी में ये किया किया गया। गया इजिप्ट इजिप्ट में? में में। इसको किया गया, 15th century में। जो भी कार्ड थे, उनकी, उनकी everything, वो सब की गई 15th century. उसके बाद जब इसका काफी फेम, फेमस हुआ तो इसको इंडिया में भी आ आ आया। इंडिया में इसका धीरे धीरे असर आया बहुत ज्यादा इंडिया में लोगों ने सीखने का बड़ा प्रयास किया एंड उसको बहुत चाह सीखने के लिए और इंडिया में जब ये आया तब सेवनटींथ सेंचुरी होती तो इंडिया में इट केम इन सेवन सेंचुरी इसको हम लोग जब इंडिया में ही आया तो इंडिया में इसका नाम रखा गया डिविनेशन टूल डिवाइन टूल जिसे कहते हैं या टूल कहते हैं इसको ये नाम रखा क्योंकि भगवान से कनेक्शन होता था आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ी इसके कार्ड आप ऐसे ही नहीं कर सकते आपको अपना कंसेंट्रेशन लेवल इंक्रीज करना होता है यू हैव टू डू फिफ्टीन और ट्वेंटी मिनट मेडिटेशन विदाउट फेल

के 3000 टाइप्स के डेक्स अवेलेबल ओशो है बहुत से हैं लेकिन उनमें ज्यादातर 95% डेक्स आर दी कॉपी ऑफ राइडर एंड वेट डेक राइडर वेट टैरेट डेक सबसे ज्यादा अच्छा है ओरिजिनल है सब इसकी कॉपी बनी सबसे पहले यही आया था राइडर वेट टैरेट 17 सेंट जो बाकी बने सब ने इससे इंस्पायर होकर बने तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आपको भी जो इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना है आपको सिर्फ इसमें कार्ड्स लेने एक डेक खरीदना है बहुत सिंपल है वेरी इकोनॉमिक है ज्यादा महंगा नहीं है हार्डली ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज के आसपास का आता है बस और कुछ आपको नहीं लेना है नो सॉफ्टवेयर नथिंग बट जो कार्ड्स आपको लेने हैं वो राइडर वेट टेरट डेक लेना मैं व्हाट्सएप में इसको डाल दूंगा आप उसी डेक को खरीद लीजिए सो so जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो वी ऑल शुड डेक विद कार्ड अब इसमें क्या है इसमें कार्ड्स होते हैं देखिए कार्ड्स हैं इसके अंदर इस तरीके के कार्ड्स हो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मनीषा जी yes, हाँ ये नीचे जो है यहाँ पर ये साइन है एक पामेला स्मिथ है लेडी जिन्होंने इसके चीज को डिजाइन किया है ये उनके साइन है और यही इस कार्ड की ओरिजिनलिटी को शो करो सर कार्ड को थोड़ा ऊपर करेंगे क्या हाँ देखिए मैं इसकी फोटोग्राफी भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे सब भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ये सब आएगा अभी तो मैं वैसे ही आपको दस दिखा रहा हूँ आपके पास सब आ जाएगा अभी मैं इसको स्टॉप शेयर करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा अभी देख अभी दिखाता हूँ मैं आपको पांच तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्ड आपको लेना चाहिए अच्छा टेरेट कार्ड वर्क कैसे कर हाउ टेरेट कार्ड वर्क ये सबसे इंपॉर्टेंट सो देर आर थ्री थाउजेंड डेक्स इन दी मार्केट टेरेट कार्ड पांच चीजों पे काम करते हैं देर आर फाइव थिंग्स ऑन विच टेर कार्ड वक्त नंबर वन इज शकुन शास्त्र शकुन शास्त्र हम लोग जानते हैं काफी कुछ आई डोंट नो शिवा हाउ मच शिवा नोस लेकिन इंडिया में तो बहुत होता है कि कोई शीशा टूट गया तो कहते हैं नहीं ये गलत हो गया अभी नया काम स्टार्ट मत करो बिल्ली रास्ता काट गई तो कहते हैं कि अभी पार मत करो रुक जाओ सो देर आर सो मेनी शास्त्र चिंटिया बाहर निकल आती हैं तो कहते हैं कि बारिश होने वाली पक्षी जब दौड़ना शुरू कर देते हैं तो वो कहते हैं तूफान आने वाला जब पक्षी उड़ने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा या जानवर भागने लगते हैं तो तूफान आने का अंदेशा होता है और ये है ये होता है इसके पीछे लॉजिक है सारे जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाए हैं इसके पीछे लॉजिक है उसके लॉजिक का हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते इसलिए हम सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है ऐसा नहीं है तो टेरट कार्ड शकुन शास्त्र पे भी बेस्ड देन कार्ड इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी इट आल्सो बेस्ड ऑन कलर एंड इंट्यूशन अब पिक्चर के ऊपर बेस्ट जाइए पिक्चर क्यों पिक्चर जो है आपने आज से तब तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है हिंदी में कोई भी बताइए मुझे अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसने देखी है तो फेवरेट फिल्म तो बहुत है ऐसे जैसे ये है हम आपके हैं कौन हम हाँ आपके हैं तो आप इसको भूल नहीं पाते मतलब आप इसके बारे में सब कुछ याद रख अगर आपको किसी ने हम आपके कौन की स्टोरी सुनाई होती तो शायद आप काफी चीजें भूल जाते हैं लेकिन आपने चूंकि हम आपके हैं कौन देखी है Because you have seen the picture, तो picture का जो इफेक्ट होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी है तो इसीलिए पिक्चर का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो पिक्चर्स को आप नहीं भूल सकते मैंने अपने बचपन में इतनी एज मेरी हो गई मैंने अपने बचपन में कुछ पिक्चर्स देखी है लेकिन आज तक उन पिक्चर्स के सीन मुझे याद जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था हार्डली आई वॉज सेवन ईयर्स और एट ईयर और नाइन ईयर्स फोटोग्राफिक मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी दर्शन पिक्चर आपने देखी है उसके अंदर यही चीज दिखाई गई थी बताया गया था तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी हो बेसिक इसलिए पिक्चर के फॉर्म में इसको दिखाया जाता है और उस पिक्चर को आपको इंटरप्रेट करना होता है कलर के हिसाब से नंबर के हिसाब से पिक्चर के हिसाब से शकुन शास्त्र के हिसाब से. से शकुन शास्त्र क्यों क्योंकि जितना आप शकुन शास्त्र जानेंगे उतना ही यू विल बी कनेक्टिंग टू द नेचर आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा जितना आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे उतना ही आप चीजों को ज्यादा अच्छा बता सिंपल है शॉर्ट टर्म कोर्स

जो चीजें हैं तो टोटल मैंने आपसे कहा कि 78 कार्ड्स दो फॉर्म में इनको डिवाइड किया जाता है माइनर आर्कना आर्कना बोलते हैं ए आर सी एच ए एन और मेजर आर माइनर आर्कना कंसिस्ट 56 कार्ड एंड मेजर आर्कना कंसिस्ट कंसिस्ट 0 टू 21 कार्ड विच इज 22 टू नंबर नंबर होता है इस पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके कर नंबर होता है हर कार्ड के ऊपर आपको नंबर में जैसे मैं आपको यही कार्ड दिखाऊं बाद में दिखाऊंगा इस पे ये नंबर पड़ा हुआ है ऊपर देखिए फाइव इस नंबर का लिंक है तो कैसे लिंक है जैसे वन है इट शोज बिगिनिंग टू है इट शोज बैलेंस इन लाइफ थ्री है इट शोज नॉलेज एंड क्रिएटिविटी बिकॉज इट इज ऑफ जुपिटर न्यूमरोलॉजी में आपने पढ़ा फोर है इट शोज रेस्ट्रिक्शन कंफ्यूजन क्योंकि से नंबर दिए हुए हैं और हम उसको उसी रेंज में पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल न्यूमरोलॉजी का भी है और नेचर से कनेक्ट तो हमें होना ही है जितना हम नेचर को समझेंगे जितना चीजों को हम लॉजिक समझेंगे उतना ही बढ़िया हम इसको कर कर पाएंगे तो मैंने यही कहा आपसे कि टोटल 78 कार्ड्स हैं उसमें से 56 कार्ड्स माइनर आर्कना है मेजर आर्कना 22 कार्ड्स हैं मेजर आर्कना जो है दैट इज ओनली फॉर द मेजर इवेंट्स जो बड़ी बड़ी इवेंट्स आपके लाइफ में होती है उसका आंसर देने के लिए एंड 56 जो माइनर है ये आपकी लाइफ की छोटी छोटी इवेंट जो है उसका आंसर देने के लिए होता है। तो ये हमारा था, जो मैं आपसे कुछ बताना चाहता था कि टेरो कार्ड के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे कार्ड देखेंगे सारे कार्ड्स की पिक्चर्स देखेंगे कलर्स देखेंगे उसपे नंबर देखेंगे वो कार्ड क्या कहना चाहता है वो हम सीखेंगे। और सीख सकते हैं

एक मिनट में शेयर कर देता हूँ उसको आपको दिखा देता हूँ ये ये आप देख रहे होंगे तो ये टेरट कार्ड है राइडर्स एंड वेट लिखा हुआ है इस पे ये वाला पूरा आता है ऐसा आएगा आपके पास इसका आपको इस्तेमाल करना है इसको आपको बड़े संभाल कर लग, संभाल कर कैसे रखना है ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं ऐसे कार्ड्स हैं इसके अंदर जिसमें पिक्चर्स दी हुई हैं नंबर इसके ऊपर दिया हुआ है सबसे ऊपर नंबर है फिर पिक्चर्स दे रखी हैं और इन पिक्चर्स को हमको इंटरप्रेट करना हम चाहिए इट्स वेरी सिंपल आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत कि कैसे इंटरप्रेट करेंगे सुबह बताऊंगा तो आप सोचोगे कितना बढ़िया इंटरप्रेट हो रहा है बहुत बढ़िया इंटरप्रेट करेंगे और ये आपके क्वेश्चन का हंड्रेड एंड टेन आंसर ऐसा इसके अंदर हो तो कार्ड आप ऑरिजिनल राइडर वेट टेरेट डेक ही मंगाइए और कुछ नहीं मंगाइए एक कार्ड का डेक मंगा के रख लीजिए और इस कार्ड को डेक मंगा के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लास शुरू करेंगे उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ हाल, हाल दो शायद दो तीन बच्चे अभी दो तीन स्टूडेंट्स और नहीं आए कि इसका हम शुरू करेंगे मतलब फ्राइडे जो आज का टाइम है

थ्री हाँ पी एम ठीक है सैटरडे हम लोग थ्री पी पे क्लास करेंगे मनीषा जी ठीक है हाँ जी सर हाँ गुड सभ्य साथी आप भी आपको भी सूट करेगा सर मेरा कुछ टाइम फिक्स नहीं रहता है मैं जब भी जरूरत पड़ता पड़ता है है प्लान है। आ, मैं बोल बारे? दूंगा फिर सैटरडे तो छुट्टी होती होगी आपकी सर मेरा कुछ ठिकाना नहीं रहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो जितना हो घंटा घंटा प्लान में रहना पड़ता है बीच बीच में अटेंड करते रहिए देखते रहिए और रिकॉर्डिंग्स तो सब आएंगी हमारे पास पीडीएफ भी सारा आएगा मटेरियल भी सब भी आएगा भी। हर चीज दी जाएगी आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी पूरा पीडीएफ दिया जाएगा सब चीज आपको उसमें कोई दिक्कत तो वी विल हैव क्लास ऑन सैटरडे थ्री पी एम ठीक है ओके so okay? okay, तब तक आपसे yeah, आप रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला डेक मंगा ठीक है राइडर वे टेर डेक ये मंगा लीजिए इसके अलावा कोई और मत मंगाइएगा ये सबसे बड़े मैं व्हाट्सएप पे भी कल आपको भेज दूंगा अंजलि सबका नाम आम लिख के भेज देगी फोटोग्राफ भी भेज देगी आपको सो so दैट that... आपको दिक्कत ना हो ठीक है तो तो हम थर्टी को मिलेंगे तब तक आप कर लीजिए आराम से और कोई चिंता वाली बात नहीं है आप टेरो से इतना बढ़िया प्रडिक्शन करना सीखेंगे कि आप खुद हैरान हो इतना बढ़िया सर ये वैलिड कब तक रहता है मतलब जैसे टेरेट का अगर आपने रीडिंग किया फॉर एग्जांपल ये वैलिड मतलब... ये जो होता है ना ये आपका थ्री मंथ सिक्स मंथ डे और टू ऐसा नहीं होता जैसे हम उसमें तो बोल देते हैं ना एस्ट्रोलोमेदिक एस्ट्रोलॉजी में कि भाई दो साल के लिए आपके दो साल में हो जाएगा जाए यू okay. कैन भाई आपके आने वाले दिन दिन में तीन दिन में छह महीने में महीने में दो महीने में ये सब चीज हो जाएगी बहुत शॉर्ट टर्म प्रडिक्शन करता है तो, तो इसकी भी रेमेडीज होती है सर टेरेट हैं, टेरोर रेमेडीज है टेरोड कार्ड की अच्छा. रेमेडीज भी है वो भी आपको बताई जाएगी क्रिस्टल रेमेडीज okay. है वो रेमेडीज okay. भी आपको बताई जाएंगी चक्राज आपको बताए जाएंगे डिफरेंट चक्रास होते हैं जो हमारे जो कुंडली जागरण के होते हैं उसके बारे में हाँ। भी आपको ब्रीफ किया जाएगा सो देट के आप थोड़ा बहुत इतना ही करिए पांच मिनट से स्टार्ट कीजिए कर बट कर करना शुरू कर दीजिए और साथ में ये टेरेट डेक मंगा लीजिए थर्टी मार्च को वी विल स्टार्ट अवर क्लास उससे पहले जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कुछ भी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर डिस्कस करो ठीक है सर हाँ. सर एक रिक्वेस्ट है सर थोड़ा सैटरडे को बोल रहे हैं ना सर हाँ, हाँ, पी सर थोड़ा अर्ली हो सकता है दो पी मतलब कितना टाइमिंग रहेगा क्लास का वो थोड़ा बता सकते थोड़ा जल्दी थोड़ा कर सकते हैं क्या सर दो बजे करीब दो बजे अगर हम करते हैं इट मीन के शिवा योर टाइम विल बी एट थर्टी टू यू हाँ चलो ठीक है दो बजे का रखेंगे ओके okay, तो इट इज के एट टू पी तो इसमें सर आप हीलिंग वगैरह भी बताओगे जैसे जैसे आती है, जैसे होता है रेमेडीज़ बताऊंगा आपको बहुत अच्छी आ, अच्छा हाँ आपको बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताएंगे आपको सब चीज बताई जाएगी इसके अंदर चिंता मत करो आप बहुत अच्छा कोर्स आपको लगेगा एंड यू ठीक है तब तक के लिए नमस्कार जय श्री कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप कर थैंक यू ठीक है थैंक यू माशिवरात्रि है